हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप सब। तो सुबह के 9:30 हो रहे हैं और कितना बढ़िया मौसम सा हो रखा है। बारिश हुई थी रात को भी और अभी भी हल्की फुल्की बारिश ही हो रही है। धूप नहीं है आज, बढ़िया मौसम सा। जय हो सूर्य देवता। ओहो, अभी देखा उन्होंने मेरी तरफ। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, कल ठंड लगी थी मेरे को। तो गाइस, जैसे कि आपको पता है, कल मेरा चेकअप हुआ था। यार एक मिनट बाबू, यार बनाने दो यार। तो जैसा कि आपको पता है कि कल मेरा चेकअप हुआ था, तो मेरा ये दांत निकल गया है। तो 2-3 दिन तक मैं खाना नहीं खा पाऊंगा, तो इसलिए नाश्ते में देखो क्या है। ये मैंने चाय में ब्रेड मिजवा ली है, अभी ये खाऊंगा। आ जाओ खाते हैं। अरे वाह, एक ही बारी में धूप आ गई है तो। थैंक यू थैंक यू। तो चलो अंदर चलते हैं, देखते क्या हो रहा है। नाश्ते का टाइम हो रहा है, आज बारिश आई थी तो आज बने हैं घर में पकौड़े और चाय। युग की फरमाइश पे, युग ने बोला था कि बारिश हो रही है, चाय और पकौड़े बनवाओ, तो चाय और पकौड़े बन गए। ठीक है ठीक है, खाओ। तो गाइस, शाम के 4 बज चुके हैं और खाना खाने का टाइम हो गया है। आज घर में बनी अरहर की दाल, भिंडी, चावल, प्याज, रोटी। आ जाओ खाना खा लो, जिस जिसको खाना है, वरना बाद में मत कहना बुलाया ना। तो गाइज, मैंने एक मिस्ट्री बॉक्स मंगवाया था, तो उसका आया है कुरियर मेरे पास, तो ले लेते हैं और आपको दिखाते हैं क्या है। ये क्या आया भैया? थैंक यू भैया। तो गाइज, कई दिनों से मैं यूट्यूब पे देख रहा हूँ, फेसबुक पे देख रहा हूँ, इंस्टाग्राम पे देख रहा हूँ कि लोग मिस्ट्री बॉक्स मंगवाते हैं और उसमें बहुत ही अच्छे अच्छे गिफ्ट आते हैं। तो मैंने कहा चलो मैं भी एक मंगवा के देखता हूँ, ट्राई करके देखता हूँ कैसा होता है और क्या निकलता है उसमें से। मैंने आज तक दूसरों को देखे, 500,000 रुपये का सामान मंगाता है, उसमें 1-1 लाख रुपए का इनाम निकल जाता है। मिस्ट्री बॉक्स ऐसा है सच में। तो इसी को देखते हुए मैंने मंगवाया है मिस्ट्री बॉक्स, सिर्फ 239 रुपये खर्च करके। और मिस्ट्री बॉक्स है कुछ नहीं, ये है, तो मैं दिखा देता हूँ आपको क्या है ये। तो ये है मिस्ट्री बॉक्स, यहाँ पर लिखा हुआ है ओनली ए क्यूट पर्सन कैन ओपन दिस। है ज़्यादा क्यूट कौन है? अरे क्यूट पर्सन ओपन दिस। तो मैं खोलूंगा ना। तो इन तीनों में सबसे ज्यादा क्यूट कौन दिख रहा है? मैं। मैम तीन नहीं, हम चार है, बाबू भी तो है। बट 1, 2, 3, 4 चौथे नंबर वाला क्यूट है। तो इसको मैं ओपन करके देखता हूँ। अक्कड़ बक्कड़ करते हैं, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो। जीत गए। चलो कुछ भी, तो अभी से ओपन करते हैं, देखते हैं क्या निकलता है। भगवान इसमें से भागा। तो इसे ओपन करके देखते भगवान इसमें से एलईडी टीवी निकल जाए। कुछ भी निकल जाता है, पीछे एड्रेस है मेरा। एलईडी टीवी कोई भी खोले, कोई भी खोले। ओनली ए क्यूट पर्सन ओपन दिस। वार्निंग भी दे रखी है स्पेशल अलग ही है। और ये मेमे चैट स्टोर से मंगवाया गया है। ये मेरे को किसी ने इंस्टाग्राम पे बोला था कि देखो, तो मैंने देखा और मेरे को सच में बहुत मजा आया, तो मैंने कहा चलो एक मंगवा के देखते हैं। इसके सबके अलग अलग प्राइस हैं, 1,000 का भी है, 2,000 का भी है। धोखाधड़ी कर दी गुज्जू में मेस्टी की। धोखाधड़ी कर दी हमारे साथ। 18 प्लस क्या है? स्टिकर्स भी है। क्या मंगवाया? ये आप 247 रुपए में ये जॉनी सिंह से भेजा आपने, और ये भेजा क्या है? अरे यार ये क्या है? ये क्या है? पेन हब। व्हाट इज दिस? अरे गिर जाओ तुम। क्या है? पेन हब। व्हाट इज पेन हब? 18 प्लस। यार ये स्टिकर्स आया दिखा। तो ये स्टिकर्स निकले हैं। अरे यार ये क्या लिखा है? क्यों हिला डाला ना? ये बढ़िया। जय श्री राम जाने की। और सच बता रहा हूँ, इसमें प्राइस भी लिखा हुआ है। ये मैंने 239 रुपए का मंगवाया था, लेकिन इसके स्टिकर की कीमत है 469। ये तो लॉटरी लग गई यार, है डबल रेट का आ गया सामान है।
स्टिकर यार ये तो मजाक है यार, मैंने 239 रुपए खर्च किए, उन्होंने तो 500 रुपए का सामान भेज दिया यार। करना क्या है स्टिकर का? लेकिन समझ नहीं आ रहा गुज्जू भैया इन स्टिकर्स का करूँ क्या मैं ये यार। अरे ये तो देखो चला है। ये क्या है वो? ये तो सारे मैं व्हाट्सएप पे भेज देता हूँ। हम लड़की है ना हमारे साथ, हम लड़के हैं ना हमारे साथ ऐसा ही होता है। उससे मेरा क्या फायदा? अरे यार ये भी, अरे पुनीत भैया उसमें मेरा क्या फायदा? मुझे ये समझ नहीं आया क्यों, ये क्या है, ये क्या है? तुम मेरे को नहीं पता भाई, तुम बताओ। मुझे भी नहीं पता था क्या है पेन अप, क्या होता है यार? ये क्या भेजा यार गुज्जू भैया आपने? ये सब आपके ऊपर सूट हो रहे हैं, बड़ी दिक्कत है। हमारे लिए म्यूजिक म्यूजिक राहुल भैया कह रहे हैं मजा आया ना, बिल्कुल मजा नहीं आया, ये सब मेम्स ही भेज दिए इन्होंने। भाई क्या कर रहा है तू, क्या कर कह रहा है तू गुज्जू भैया? यार ये जिसने भी मेरे को बोला था ना लेकिन मैंने देखा ऐसा, तो बता रही है तो मैंने पहली बार मंगाया था 239 रुपए खर्च करके मिस्ट्री बॉक्स मंगा कर, मैं और भी महंगे महंगे है, कोई 1000 रुपए का है, कोई 2000 का है, 10000 रुपए के भी मिस्ट्री बॉक्स है, बट मैंने कहा एक बार ट्राई करके देखते हैं 239 वाला मंगा के देखते क्या होता है। इसमें आए हैं स्टिकर्स जिनका मेरा कोई यूज़ नहीं है, तो मैं भी आप लोगों को सलाह देना चाहूँगा मिस्ट्री बॉक्स ना मंगाए। मिस्ट्री बॉक्स आए किस में, डब्बे में जा रहा हूँ ये क्या, ये नस काट रहा है, नस काट रहा है। करना क्या है स्टिकर्स का? इन स्टिकर्स का करना क्या है, मैं तो व्हाट्सएप पे भी वो भेज देता हूँ। ये हंस रहे हैं म्यूजिक, ये सब हंस रहे हैं यार। सिंचन लोहारा तुम यार, ये मैंने देखा है बस। कहाँ देखा है इसे? कहाँ देखा तुमने? तुमने कहाँ देखा इसे? स्टार वो चलता है, ये स्टार है, ये इंस्टाग्राम का स्टार। वेरी गुड, मुझे नहीं पता भाई। फिर मौसी ने कहा यार ये क्या भेजा यार, समझ नहीं आ रहा। हम सोच रहे एलईडी निकलेगी, मैं थार की सोच रही थाले कलर। अरे मैंने सोचा था जिस हिसाब से पैकेट लग रहा है मेरे ख्याल से हेडफोन वगैरह या एप्पल से रिलेटेड कुछ होगा, लेकिन इन्होंने ये स्टिकर से भेज दिया। और ये भेजा है मेमे चैट स्टोर ने, मेमे चैट स्टोर ने मेमे ही भेज दिए सारे। उन्होंने कहा था क्यूट पर्सन बोले और आपने बोल दिया। स्कैन दिस एंड बाय 3 मोर मिस्ट्री बॉक्सेस विद कूपन कोड भागवती 69 टू विन एन आईफोन। अभी मंगाते हैं, अभी मंगाते हैं। तो इस स्टिकर को मैंने अलमारी पे लगा दिया है, बड़ी दिक्कत है भाई, अगर कोई चोर वगैरह अलमारी खोलने की कोशिश करेगा तो इस पढ़ के ही वापिस चला जाएगा। तो इस स्टिकर का फायदा यहाँ पे हुआ है। और सच बता रहा हूँ अगर ये सारे स्टिकर मेरे काम आ गए तो मेरे पैसे वसूल हो जाएंगे, नहीं तो मेरे पैसे सारा बर्बाद। गुज्जू भैया जिस दिन मिलूंगा ये सारे पैसे वापस लूंगा आपसे। तो गाइस रात के 10 बज चुके हैं, खाना खाने का टाइम हो गया है। आज घर में बने हैं सोयाबीन मंगौड़ी की सब्जी, रोटी और सूखे आलू। तो आ जाओ जिसको खाना है, वरना बाद में मत कहना बुलाया नहीं। तो गाइस अब सोने का टाइम हो गया है और आज मेरे बहुत जोर की यहाँ पे दर्द हो रहा है, तो इस वजह से मैं ज़्यादा बड़ा ब्लॉग नहीं बना पाया हूँ। जितना बनाया है बस अब उसको एडिट करूँगा। दर्द तो हो गई जब डॉक्टर ने बताया परहेज करो, परहेज नहीं करो दर्द तो हो गई ना। या उन्होंने बोला खाना नहीं खाना है, दलिया खाना है। तो ये खाना है बना के दिया, रहने तो हलवा दिया, हर चीज दे, फिर भी आपको भिंडी हलवा सिर्फ पहले ही दिन बना के दिया था, भिंडी और रोटी खानी है आपको, हलवा सिर्फ पहले दिन बना के दिया था। अगर मेरे सामने वो रख दोगे तो मैं बना के खाऊंगा, जब मेरे को मिलेगा ही नहीं। आपके सामने दिखाई आपने, कुत्ता होगा मैं बस, ये क्या बात हुई? मोती खाता दूध ब्रेड, दूध ब्रेड दूध रोटी खा लेते। अब मेरे को नींद आ रही है सुन दो। तो गाइज अब वीडियो एडिट करते हैं और सोते हैं, और कल एक गुड न्यूज़ है, कल बताऊंगा आपको बढ़िया सी। तो इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, कैसा लगा ब्लॉग लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। लव यू ऑल, और कल का इंतजार करना, कल का ब्लॉग धमाकेदार आने वाला है। छाला भी हो गया एक।